दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ EDS 10 की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि इसके लिए क्या आपको ज़रूरी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इंटेल फोर्थ जनरेशन ऑफ न्यू प्रोसेसर और इक्विपमेंट AMD U इसमें होना चाहिए सपोर्ट रिक्वायरमेंट बेसिस, यानी कि i7 i5 पे भी आप इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी रैम कम से कम 16 GB के करीब इसमें होनी चाहिए। सेकंड इसमें आता है कि इसमें आपकी रैम 8 GB मिनिमम होनी चाहिए अगर आप EDS 10 का यूज कर रहे हैं, और इसमें अगर आप 16 GB रैम रखते हैं तो उसमें आप 4K 8K की भी एडिटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आपको 1920x1080 HD फॉर्मेट में ही एडिटिंग करनी पड़ेगी। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसके लिए आपके लिए हार्ड डिस्क की क्या रिक्वायरमेंट होती है, हार्ड डिस्क के लिए आपको क्या करना है, इसमें दो तरह की हार्ड डिस्क इसमें लगती हैं। एक तो SSD हार्ड डिस्क का आप यूज कर सकते हैं जिसमें कि आप विंडोज डालेंगे, है ना। एक आपने लगानी है इसके अंदर 2 TB की हार्ड डिस्क, कम से कम इसमें आपकी 7200 RPM की हार्ड डिस्क होनी चाहिए, और एक SSD रख सकते हैं जो 256/512 इस टाइप से आपकी हार्ड डिस्क होनी चाहिए इसमें, ताकि आपका डाटा फास्ट रेंडर भी हो और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका फास्ट चले। ग्राफिक कार्ड कौन सा लेंगे दोस्तों, ग्राफिक कार्ड के लिए आपको क्या करना है, सपोर्टिंग हायर रेजोल्यूशन देन 1024x768 32 बिट, यानी कि अगर आप इसमें हाई रेजोल्यूशन का 2 GB या 4 GB का ग्राफिक कार्ड कम से कम रखना है आपको, नहीं अगर आप 4 GB का ग्राफिक कार्ड इसमें रखते हैं तो भी आपका सिस्टम 4K की एडिटिंग करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। आपको अगर 2 GB रखते हैं तो नॉर्मली आप जो विलेज से रिलेटेड वीडियो हैं या HD फॉर्मेट की वीडियो हैं उन्हीं पे ही आप एडिट कर सकते हैं, इसलिए रैम और प्रोसेसर का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ इसमें आपने साउंड कार्ड कौन सा लगाना है, साउंड कार्ड आपका क्या काम करता है, साउंड कार्ड के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इसमें साउंड कार्ड का यूज करें जिससे कि आपकी ऑडियो इन्हेंसमेंट यानी कि पावरफुल होके साउंड सिस्टम के थ्रू इम्प्रूव होती है, और ऑडियो में आप प्रॉपरली वॉइस वगैरह सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, इसलिए साउंड कार्ड की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, तो उसको भी आप ज़रूर लगाएं। दोस्तों आजकल लोग जो ना ब्लू रे डिस्क ड्राइव का टाइम आ गया है, क्योंकि उसमें डाटा आपका ज़्यादा सेव होता है और राइट भी ज़्यादा होता है, 25 GB तक एटलीस्ट वो ले लेती है ना। लेकिन क्या है, MP4 अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं, MP4 लेना चाहते हैं, तो MP4 डायरेक्ट आप जो ना EDS के थ्रू डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो राइट कर रहे हैं। बहुत से लोग राइट नहीं करते, वो LCD स्क्रीन पे ही डायरेक्ट चलाना चाहते हैं पेन ड्राइव के थ्रू, तो आप डायरेक्ट भी इसको प्ले कर सकते हैं MP4 बनाकर। ये आपकी चॉइस है कि आप किस पे फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट करेंगे फाइल को, MPEG पे या MP4 पे। तो इसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, इसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लेना होगा Windows 10। Windows 10 आप यूज करते हैं तभी EDS का आप यूज कर सकते हैं, अन्यथा ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 64 बिट वर्जन 19 बाइट और लेटर, विंडोज 8.1 एंड 7 आर नॉट सपोर्टेड वर्चुअल और इज नॉट सपोर्टेड। तो ये EDS ने ही ग्रास वैली की साइड से लिखा हुआ है दोस्तों कि आप विंडोज 10 पे ही EDS 10 का यूज करें, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि EDS के लिए आप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर डालें। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द YouTube चैनल।